हे गाइस, तो कैसे हैं आप सब। आपका वेलकम है मूवीज अलाइज में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एंट मैन क्वांटम मेनिया की एक अपडेट के बारे में, जो कि डायरेक्टली रिलेटेड है कैंग द कॉन्करर से। जी हाँ, एंट मैन क्वांटम मेनिया, अगर आप उसके बारे में भूल गए थे तो वो अभी भी रिलीज हो रही है और उसके बारे में हमारे पास एक अपडेट आई है। अपडेट आई है एक ट्विटर अकाउंट से जिसका नाम है लिटरली एंट मैन न्यूज। इस अकाउंट के 2800 सुपर फॉलोअर्स है और इसकी जो अपडेट है वो देखने में काफी हद तक सही लग रही है अब तक। इसके अलावा यही एग्जैक्ट सेम न्यूज रिपोर्ट हुई है वन टेक न्यूज wordpress.com पर भी। खैर गाइस, जो अपडेट है हमारे पास वो ये है, वी कैन एक्सक्लूसिवली रिवील दैट सेट्स हैव बीन बिल्ड फॉर कैंग्स टाइम चेयर एंड जेनेट वैन डाइन्स क्वांटम रियल्म फोर्ट्रेस। ये दोनों अपीयर होने वाले हैं एंट मैन क्वांटम मेनिया में। तो स्टार्ट करते हैं कैंग द कॉन्करर की टाइम चेयर से। कॉमिक्स में जो कैंग की टाइम चेयर है वो बनाता है कैंग खुद और वो इसको यूज करता है टाइम में ट्रेवल करने के लिए और साथ साथ स्पेस में भी। और अब जो करंट सिचुएशन है मार्वल की मल्टीवर्स की, उसके मुताबिक तो कैंग इस चेयर को यूज करने वाला है प्रोबेबली मल्टीवर्स ट्रेवल करने के लिए भी। कैंग के पास मल्टीवर्स में ट्रेवल करने की जो टेक्नोलॉजी है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, जो कि उसने इम्प्लीमेंट की थी टीवीए के टाइम पैड्स में। मल्टीवर्स ट्रेवल हमने अभी तक एमसीयू में सिर्फ एक ही तरीके से होते हुए देखा है और वो है टीवीए के टाइम पैड्स की मदद से। इसके अलावा क्वांटम रियल्म के थ्रू भी पॉसिबल है मल्टीवर्स में ट्रेवल करना, लेकिन अभी तक ऐसा किसी ने भी नहीं किया एमसीयू में। टोनी ने क्वांटम रियल्म को यूज किया था मल्टीवर्स में ट्रेवल करने के लिए एवेंजर्स एंड गेम में। और जो कैंग का टेक है वो अपेरेंटली इसी चीज की एक्सटेंशन है। ये तो कुछ कॉन्सेप्ट आर्ट कैंग के रूम के जो कि आए थे लोकी के शो से। जो कुछ पॉसिबल राइटर्स ने सोचा था कि है कैंग के रूम में करंटली, ये सब लोकी के शो में नहीं आया डिफरेंट कैमरा एंगल्स की वजह से, लेकिन एक्चुअल में कैंग इस सब को ऑन करता है और यहाँ पे पड़ा हुआ है एक इवन आयरन मैन का हेलमेट भी। कैंग ऑलमोस्ट 10 सेंचुरीज अपार्ट है टोनी स्टार के टाइम पीरियड से एमसीयू में। टोनी एग्जिस्ट करता है एमसीयू की 21st सेंचुरी में और कैंग करता है 31st सेंचुरी में। यहाँ पे ऑलमोस्ट 1000 साल का फर्क है और टोनी के सूट और टोनी का नामो निशान नहीं होना चाहिए 1000 साल बाद कैंग के पास, लेकिन फिर भी कैंग के पास टोनी के हेलमेट है, जो कि इस बात का प्रूफ है कि कैंग टोनी को जानता है अच्छी तरह और उससे इवन इंस्पायर्ड भी है। कैंग ने जो टेम्पैड पहना हुआ था अपने हाथ में इस सीन में, ये काफी हद तक मैच करता था टोनी के टाइम स्पेस जीपीएस के साथ। अवेंजर्स को और हल्क को प्रॉपरली कोई भी मेथड नहीं मिल रहा था क्वांटम रियल में नेविगेट करने का, इसीलिए स्कॉट लैंग के टाइम में आगे या फिर पीछे जाने के बजाय जो टाइम है वो स्कॉट लैंग के अंदर से पास कर रहा था। स्कॉट लैंग एज तो कर रहा था लेकिन वो टाइम के थ्रू ट्रेवल कर नहीं पा रहा था, टाइम एक्चुअल में उसके अंदर से पास हो रहा था। इस बात को सॉल्व करने के लिए टोनी ने बनाया था अपना टेक जिसका नाम था टाइम स्पेस जीपीएस। इसकी मदद से अवेंजर्स प्रॉपरली टाइम ट्रेवल कर पाए थे क्वांटम रियल में एग्जैक्ट मोमेंट पर जहां वो चाहते थे। खैर यार, इसी टेक की जो एक्सटेंशन है वो है कैंग के पास इस सीन में। इस बात के चांसेस हैं कि इवन कैंग भी यूज कर रहा हो टाइम पैड में क्वांटम रियल को ट्रेवल करने के लिए डिफरेंट मल्टीवर्सेस में और टाइम ट्रेवल करने के लिए भी। अगर ये वाकई टोनी के टेक की एक्सटेंशन है तो टोनी ने भी यूज किया था क्वांटम रियल का ही टाइम ट्रेवल करने के लिए। इसी तरह ये मूवी डायरेक्टली लिंक करने वाली है एंट मैन क्वांटम मेनिया के साथ। कैंग या फिर टीवीए हर बार टाइम ट्रेवल करने के लिए यूज करते हैं क्वांटम रियल्म का और इस बात का पता चल जाएगा प्रोबेबली जेनेट को। जेनेट वैन डाइन के बारे में इस पोस्ट में लिखा हुआ है कि उसका जो फोर्ट्रेस है वो एग्जिस्ट करता है क्वांटम रियल्म में। फोर्ट्रेस होगी एक ऐसी प्लेस जहाँ पे रही है जेनेट वैन डाइन इतने साल। वो जवानी में गई थी क्वांटम रियल्म में और वो फूरी होकर बाहर आई है क्वांटम रियल्म से। वो इतने साल कहीं ना कहीं तो रही होगी और वो है उसकी फोर्ट्रेस। जो सिटी हमने देखा था क्वांटम रियल्म के बैकग्राउंड में वो हो सकती है प्रोबेबली जेनेट की फोर्ट्रेस। तो इस बात के चांसेस हैं कि मे बी जेनेट रूल करती है क्वांटम रियल्म को और कैंग यूज कर रहा है क्वांटम एनर्जी को हर बार टाइम ट्रेवल करने के लिए और इवन मल्टीवर्स ट्रेवल करने के लिए भी। तो इस तरह से डायरेक्टली लिंक होने वाली है जेनेट की और कैंग की आपस में स्टोरी लाइन। वरना करंटली एमसीयू में कैंग और एंट मैन एक दूसरे से काफी ज्यादा दूर है। कैंग टाइम लाइन को रूल कर रहा है, वो मल्टीवर्स से बाहर है और उसका दूर दूर तक कोई भी ताल्लुक नहीं है एंट मैन के साथ। तो सबसे बड़ा कनेक्शन जो हो सकता है एंट मैन का कैंग के साथ वो हो सकता है क्वांटम रियल। अगर हम बात करें जेनेट वैन डाइन की तो जो उसकी पावर्स थी वो काफी अजीब थी एंट मैन एंड द वॉस्प मूवी की एंड। उसने किस तरह से स्टेबलाइज कर दिया घोस्ट को हम लोग ये बात नहीं जानते। उसकी एग्जैक्ट पावर्स मार्वल ने अभी तक एक्सप्लेन नहीं की एमसीयू में। उन पावर्स को हम लोग और ज्यादा एक्सप्लोर करने वाले हैं एंट मैन क्वांटम मेनिया में और प्रोबेबली काफी बड़ी फाइट होने वाली है जेनेट और कैंग के दरमियान। अगर जेनेट रूल करती है क्वांटम रियल्म को तो कैंग उसकी इजाजत के बगैर यूज नहीं कर सकता क्वांटम रियल्म को। खैर गाइस, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अब मैं आपको बता देता हूँ उस क्वेश्चन का आंसर जो कि मैंने पूछा था अपनी लास्ट वीडियो में। क्वेश्चन था कि पीटर की सूट के असिस्टेंट का नाम क्या था, उसका आंसर है कैरेन। अब जो अगला क्वेश्चन है वो है कैंग का कौन सा वेरियंट हमने देखा था लोकी के शो में। मुझे इस क्वेश्चन का आंसर कॉमेंट्स में जरूर बताएं। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी एंड बी सेफ।